आज हम पंजाब के जलंधर पहुंचे हुए हैं और यहां लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली विधानसभा चुनाव में जलंधर के लोगों का क्या मूड है। अगर जलंधर सीट की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 शिरोमणि अकाली दल और 6 कांग्रेस के पास हैं। और आज जिस जगह हम पहुंचे हुए हैं, ये जलंधर का कैंट विधानसभा सीट है और इसमें पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह यहाँ से विधायक हैं। और यहाँ पर तीनों पार्टियाँ, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो या कांग्रेस हो, तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री का सीट है तो ऐसे में इस सीट का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जलंधर कैंट के लोग इस विधानसभा को लेकर सोचते हैं, मूड क्या है इस पूरे हल्के का। पूरे हलके में देखो जी, अभी जो भी पोजीशन है किसी की क्लियर नहीं है, क्योंकि काम नहीं हुए हैं। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो लोगों ने सोचा था, जो सोच के कांग्रेस को लेके आए थे, वो कोई भी मुद्दा हल होता हुआ दिखता नहीं है। सबसे पहले अपन देखें कि सड़कों के हालात, जैसे हम कैंट हलके से हैं, सड़कों के हालात बहुत ही ख़राब हैं। पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या जो कि त्यों है। और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं अपने प्रगट जी, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, और एजुकेशन का जो हालात हैं वो इतने बुरे हो रखे हैं। बच्चों के मतलब बच्चों के पास में जो गवर्नमेंट भी दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, वो भी बच्चों तक नहीं पहुंच रही है आज की डेट में। और प्रगट जी खुद एक बहुत अच्छे आदमी हैं जहां तक मैं उनको जानता हूं, पर उन्होंने काम नहीं किया है। वो ज़्यादातर तो चंडीगढ़ में ही घूमते रहते हैं और लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पंजाब में, जो आप गांव में देखो, छोटे छोटे गांव में जो NRIs हैं, जो हमारे भाई हैं जो बाहर हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। गलियों नालियों में आप छोटे छोटे गांव में जाके देखो तो NRI की सपोर्ट हो रही है, गवर्नमेंट की 0% सपोर्ट नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे सर, कह रहे कि जो सरकार का काम था वो NRIs जो बाहर बैठे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं, तो कहाँ कमी रह गई सरकार की तरफ से और क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लोग बाहर से लोग समर्थन कर रहे हैं, सरकार नहीं कर पा रही। देखो, पहले ही बात तो मैं भी ये कैंट कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि NRIs जो भाई हैं हमारे बाहर, उन्होंने पंजाब के लिए नहीं, जलंधर के लिए नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के लिए इतना योगदान दिया कि ये कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। खास करके ये मंत्री प्रगट सिंह हैं, 5 साल ये अकाली गवर्नमेंट में रहे, ठीक है, 5 साल तक ये कांग्रेस गवर्नमेंट रहे, लेकिन किया कुछ नहीं है। ये अपने आप को स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इस पर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पहले स्पोर्ट्स में ये चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे, लेकिन आज तक इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैंट में एक भी स्टेडियम बच्चों के खेल कूद के लिए नहीं बनाया। रही बात स्कूलों की बात, आप यहाँ से थोड़ी 1 किलोमीटर दूर तक स्कूल है, वहाँ जाकर वहाँ के सरकारी स्कूल के हालात देख लो, इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये इनका सब, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने इस एरिया में नशा की है, घर घर में नशा बिक रहा है, घर घर में शराब बिक रही है, सिर्फ इन्हीं के संरक्षण के बाद। इसलिए हम तो इनको बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो क्या लगता है कि कौन इन सारी चीज़ों से आप लोगों को निजात दिलाएगा? देखो, आने वाला टाइम तो, देखो हम तो आम आदमी, आने वाला टाइम तो हम सोच रहे हैं कि तीसरा फ्रंट जो पंजाब में आए, आम आदमी पार्टी का आए, तो वो ही निजात दवा से दें, क्योंकि इससे पहले हम अकाली दल को भी देख चुके हैं, वो भी इसी नक्शे कदम पर चली, उसके बाद कांग्रेस है, वो भी ऐसे ही कर रही है, ठीक है ना, BJP की तो बात ही छोड़ दो। हम चाहते हैं कि पंजाब में कोई नया फ्रंट आए ताकि पंजाब की नुहार को सुधार सके। ठीक है, सर कह रहे हैं कि कोई नया आए, आम आदमी पार्टी आए या कोई भी नया आए, सर शिरोमणि अकाली कांग्रेस, इससे लोग खुश नहीं है, क्या कहीं क्या कमी रहेगी और क्यों आम आदमी पार्टी को आप लगता है कि उसको आना चाहिए या लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं? सर, मैं इधर से कैंट से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे आप देखो 74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए को, और यही होता आ रहा है, रिवायती पार्टी कभी कांग्रेस आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, हमारा भी रुझान बन जाता है, चलो इसको ट्राई कर लो, कभी इसको ट्राई कर लो, लेकिन कुछ भी अभी हासिल नहीं हुआ। कल चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, ये लोगों का रुझान है भी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वहाँ पर जताया, तो हम भी यहाँ पर उम्मीद करते हैं पंजाब में भी आए, नए लोग आए, आम लोग आए और थोड़ी चेंज हो। हम भी पहले उन्हीं को डालते रहे हैं, कभी अकाली दल को डाल दिया, कभी कांग्रेस को डाल दिया, हमारे वो पहचान का, हम यही सोचते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं हुए। आज ये वो बने हैं हमारे यहाँ पे जो MLA हैं प्रगट सिंह जी, वो बने हैं यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनको पूछो भी, उनको उन्होंने जब से उन्होंने भागदौड़ संभाली एजुकेशन मिनिस्टर, क्या किया उन्होंने ऑन ग्राउंड, कोई काम नहीं हुए।
अगर स्पोर्ट्स की बात करें उनका भी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स में रहा है, तो वो यहाँ पे हरियाणा हमारे से आगे चले गया। हमारी गवर्नमेंट को उनसे ये सी पूछा जाए भी जो 2017 में जो इन्होंने वादे किए थे उनका वही मैनिफेस्टो निकाला जाए भी, अभी तक उन्होंने क्या कौन से पूरे हुए हैं। मेरे हिसाब से 20% भी नहीं वो ओके हुआ होगा काम। तो ये लोगों का रुझान इसी वजह से जा रहा है भी ये रॉन्ग प्रोमिसज कर रहे हैं, फेक प्रोमिस कर रहे हैं, तो अभी नया फ्रंट को ट्राई किया जाए। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका सर? विजय पाल यादव। विजय जी, ये बताइए जो सरकारी सेवाएं हैं, जो सरकारी पॉलिसीज है, वो आप लोगों तक पहुंच पा रही हैं? जो ज़्यादा एक्टिव हैं, जो चापलूसों के चक्कर में रहते हैं, उन तक तो पहुंच जाती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा वाले हैं वो वंचित रह जाते हैं। अच्छा, कई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कई स्कीम है, चाहे राशन कार्ड के ले लो या राशन के लिए ले लो, या जैसे राशन मिल पाता है आप लोगों को? वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ ना कि जो मूलभूत सुविधा वाले हैं वो तो वंचित रह जा रहे हैं, तो जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उन्हीं को स्पेशल चुनिंदा आदमियों को ही राशन देते हैं और राशन कार्ड बनाते हैं, नहीं तो बाकियों को निरस्त करा देते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पॉलिसी है। लेकिन वो यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ पंजाब वालों को विशेष ध्यान देते हैं, अदर स्टेट के भी आदमी यहाँ रहते हैं, उनको तो बिल्कुल अगर पता भी लग जाए कि ऐसे हैं तो इनको तो उनकी भावना। पंजाब का मूड क्या है, क्या माहौल क्या है इस बार? देखो, सब यही चाह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी। युवाओं का सबसे बड़ी समस्या पंजाब में क्या लगती है आपको? अनएम्प्लॉयमेंट, वही आप पता ही है पंजाब में मोस्टली लोग यहाँ के फॉरेन क्यों जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है सर, यही रीज़न है। क्यों जॉब नहीं मिल पाती, या जॉब मिलती है तो जितना आपका एजुकेशन उस हिसाब से नहीं हो पाता? नहीं सर, एजुकेशन तो यार रिजर्वेशन प्रॉब्लम है ना। अगर मैं दिमाग तो सबको बराबर ही दिया, उसको 40% चाहिए पास होने के लिए, मेरे को 60 क्यों? रीज़न तो यही है ना। फिर आप ये भी तो देखो ना, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, वैसे आप कहते हो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब आप कहते हो कि यहाँ उनको 40%, दिमाग तो सबको बराबर दिया, एजुकेशन के लिए उनको फैसिलिटीज दो, ठीक है। कैसे ठीक कैसे होगा क्या सो? क्योंकि आप लोग जब वोट डालने जाओगे तो दिमाग में ये बात तो रहेगी ना कि वोट किसको देना और क्यों देना है। जो सर हमारे लिए बेटरमेंट के लिए काम करेगा उसको वोट देंगे। क्या करते हो आप यहाँ पे? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ की बात की जाए जालंधर की, तो क्या सारी जो विधायक हैं वो तो कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या लगता है कि वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं तो बस देखो ऐसी है, हाँ जी, कोई इतनी खास नहीं है। सरकारी योजना अगर हेल्थ की बात करें तो कितना स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? वो हॉस्पिटल तो देखो अभी पता ही होगा आपका, हाल ही में धरने चल रहे हैं वहाँ पे, हालात पता ही होगा वहाँ के सरकारी के क्या है। बस मेरे हिसाब से तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अच्छा, हाँ जी। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव को लेकर देखो अब की बार केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या 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 दिख रहा है आप लोगों को कि भाई केजरीवाल आना चाहिए? क्या ऐसा काम देखा आपने या क्या सारी चीज़ें देखी आपने? बस देखो दिल्ली में काफ़ी अच्छे काम किए हुए, शायद पंजाब के भी काफ़ी हालात और सुधरेंगे। आपसे बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या मूड क्या है पंजाब का, लोगों का माहौल क्या है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? माहौल सर अभी मिक्स ही है, खिचड़ी जी बनी है। मतलब उनका भी जोर है, केजरीवाल का, अकाली दल का भी है और कांग्रेस का भी है, क्योंकि उन्होंने चन्नी साहब को ला के एक मोड़, नया मोड़ दे दिया है। अच्छा। तो जड़ा केजरीवाल का वैसे ज़्यादा रोल बोलबाला है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में बहुत कुछ किया, दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री कर दी, हमने यहाँ पे तो बोल रहे थे कि बिजली फ्री कर देंगे चन्नी साहब, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बिल तो फिर भी अभी आ रहे हैं और बोल देंगे कि ये माफ़ कर देंगे, वो माफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस हमें बोल ज़्यादा रहे हैं, कर कम रहे हैं। अभी तक सड़कें जो बनी शुरू हुई, अभी तक स्टार्ट हो गई हैं, अभी तक बनी नहीं है, वैसे की वैसी पड़ी हैं, बहुत मतलब माड़ा हाल है इतना हम कह सकते हैं। हल्के में क्या माहौल है? हल्के में माहौल ख़राब ही है जी, सारा जितना भी यहाँ पे है, काम तो कोई हुआ नहीं कैंट हल्के में बिल्कुल भी। जो स्कूल जो है माफिया इख्तियार हो गया है, जो 2,000 से 3,000 तक फीस या 5,000 तक लेता है सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है यहाँ पे। अच्छा। और जो टीचर हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और एक जो टीचर टैंकी पे चढ़ा हुआ, जो इसको 120 दिन हो गए टैंकी पे चढ़ गए, कोई उसके साथ ही पूछ रही है। कुछ तो किया होगा पंजाब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, अपने आप सब खराब हो गए। देखो जी, मैं IAS बग्गा मेरा नाम है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं जलंधर कैंट हल्के में खड़े हैं हम जलंधर में। मैं जलंधर के साथ साथ पंजाब की बात करूँगा, पंजाब में कहीं भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं तो आपको वहाँ करप्शन मिलेगी, करप्शन के साथ साथ
ये जो MLA हैं या काउंसलर हैं या MP हैं, इनकी सिफारिशों वाले वो मिलेंगे सभी। अच्छा। लेकिन कोई एक हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में चल जाए ना गरीब कोई अपना इलाज करवाने के लिए, वो पहले तो पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन में खड़ जाता है। तो इनके जो अंदर बैठे हैं काउंटर पे, वो क्या करते हैं, आराम से चाय पीते होते हैं, उनको कोई रोकने डांटने वाला नहीं, तो लंबी लाइन लग जाती है पर्ची कटवाने के लिए। जब वो 1-1.5-2 घंटे में पर्ची कटवाता है, तब वो उस डॉक्टर के पास जाता है जिसकी, जिस काउंटर की रूम की, जिस डॉक्टर के पास जाना होता है, मान लो ENT डॉक्टर के पास जाना है, तो वो पर्ची कटवा कर जाता है। यहाँ से तो कैबिनेट मंत्री ही विधायक हैं आपके, तो आप ये सारी चीज़ें क्या उन तक पहुँच नहीं पाती है, पहुँचाई नहीं जाती, क्या समस्या है? सभी बातें पहुँचे, उनको नॉलेज में है, ये नहीं कि नॉलेज में, अगर सरकार चला रहे हैं तो नॉलेज में सभी है कि कौन करप्ट है कौन है, लेकिन उनके पास उनका हिस्सा जाता है ना। एजुकेशन का बड़ा समस्या है क्योंकि आपके हल्के से ही मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या लगता है कि यहाँ पर जलंधर में शिक्षा उतनी अच्छी नहीं दी गई या उतनी अच्छी नहीं की गई स्कूलों को? हाँ जी सर, स्कूल तो वैसे के वैसे है जो पहले जन के देख रहे हैं 20 साल से, कोई उसने बदलाव नहीं आया कोई भी, तो ना ही इस सरकार ये लेके आ सकती है। केंद्रीय सरकार जैसे दिल्ली में है, केंद्रीय सरकार जो कर रही है काम, वो जो पंजाब में आएगी तो वही कर सकती है, और कोई सरकार नहीं कर सकती। क्यों, अकाली और BJP की भी सरकार, या इस बार BSP भी अकाली के साथ गठबंधन में है, तो क्या नहीं लगता कि दूसरी सरकारें कर पाएंगी, यही क्यों कर पाएंगी? क्योंकि वो प्रैक्टिकल उन्होंने किया है ना, सामने दिल्ली में दिख रहा है, इनका कोई काम दिख रहा है? अच्छा, एजुकेशन देखिए, एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, 20-25 साल में कुछ नहीं देखा, कोई जैसे स्कूल पढ़े हैं सरकारी वैसे ही पढ़े हैं, कोई काम नहीं उन्होंने किया है। सरकारी स्कूल दिल्ली के देख लो, जो वो प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं तो वो करेंगे भी पंजाब में भी। क्यों ये नाराजगी क्यों दिख रही है लोगों के बीच में? देखो, चन्नी सरकार की बात नहीं है, बात पूरे 5 साल की है, जो जब चन्नी, जब कैप्टन सरकार थी तो 5-4.5 साल चन्नी साहब भी अपने मिनिस्टर थे, तो तब इनको कभी याद नहीं आई, तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? बात ये चन्नी सरकार की नहीं, बात पंजाब की है, इन्होंने सिर्फ लारे लगाए हैं, अभी ये लारे लगा रहे हैं बस। अच्छा, हाँ जी, तो क्या लगता क्या है कि माहौल क्या है, किस तरफ चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ रुझान जा रहे हैं? देखो, माहौल तो ऐसा है, अभी लोग अभी चुप बैठे हैं। हाँ। लोग चुप बैठे हैं, कोई भी शांति, जब कहने ज़्यादा शांति हो ना। हाँ। तो तूफान आने वाला होता है, ये वही तूफान आएगा, मतलब कोई पत्ता नहीं खोलना चाहता, कोई पत्ता नहीं खोलना चाहता, कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन अंदर से सब लोग बैठे हुए हैं भी इस बार इन जो भी पार्टी है इनको उखाड़ देना है, जो पुरानी रवायती पार्टियां इनको उखाड़ के ख़त्म कर देना है, जो इन्होंने पंजाब को ख़त्म कर दिया इन्होंने, अभी कभी चाचा भतीजा कभी जीजा साला, वो अब लोग समझ रहे हैं, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो लोग पीछे बयान करके देख लेते हैं क्या है इनके पीछे, क्या कह रहा है अब, क्या कह रहा है, पहले वाली तो बात नहीं है, अब तो सामने सबके जो चीज़ें सामने है। क्या मुद्दे होने चाहिए आपके, अगर मैं सिर्फ जलंधर कैंट की बात करूँ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनावी क्या मुद्दे? जलंधर कैंट के बहुत मुद्दे हैं, ना कोई सीवरेज का देख रहे आ, कल परसों की गल आ, जिहड़े कौंसलर नूं शिकायत कर देवे कोई भी तां वी काम नहीं हो रहा, तुसीं म्युनिसिपल कारपोरेशन चले जाओ तां वी काम नहीं हो रहा। मैं परसों की तुहानूं गल करदा हां कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल का बैच लगा के या टोपी पा के किसी भी कारपोरेशन दफ्तर चला जाए तो उसका काम नहीं रोकया जा सकता। अच्छा। तुसीं इस तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार कितनी डरी हुई है इन्हां दे कोलों। चुनावी मूड क्या है इस वक्त पंजाब का और जलंधर का? चुनावी मूड तो सर ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं लोग। अच्छा, क्यों क्यों क्या देख रहे हैं? दिल्ली के काम देख रहे हैं लोग, दिल्ली में जो काम हुए हैं आम आदमी पार्टी ने करे हैं एजुकेशन पे और हेल्थ पे, ये दोनों चीज़ें देख रही है जनता। पंजाब की जनता चाहती है कि यहाँ पर भी चेंज हो कुछ, पंजाब की जनता ये चाहती है। और जलंधर की अगर बात करें तो क्या चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं? यहाँ का हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, यहाँ के स्कूल्स ठीक नहीं है। लोग चाहते हैं कि स्कूल जैसे दिल्ली के स्कूल अच्छे बने हैं, और मैंने सुना है और मैं एक दो बार गया भी हूँ वहाँ पे। वहाँ पे देखा है आपने दिल्ली के स्कूल कैसे? जी देखे हैं मैंने। अच्छा। स्मार्ट क्लासेस देखे हैं उनकी। क्या लग क्या रहा है कि चुनावी मूड क्या है इस वक्त? चुनावी मूड तो मिक्स यही है जी हले तो। हाँ, मतलब जिदा जे भगवंत मान जी अगे आ रहे हैं पंजाब च, तो फिर तो आम आदमी पार्टी 100% हैगी। अच्छा, हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, या क्या है ऐसी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं? देखो जी, कांग्रेस भी देख ली 5 साल आज पिछले 12-17 to 22 हो गया, कांग्रेस ने एक भी मैनू काम दसो जिहड़ा कीता होवे, कुछ नहीं कीता इन्होंने, प्रधान ही बदले बस, कोई स्मार्टफोन नहीं दिता किसी, कोई कुछ नहीं, जिन्ने वादे किए फ्लॉप, फिर बेअदबी हो रही है, शरेआम हो रही है,
हो रही हैं कि नहीं। बेअबदी का कितना बड़ा मतलब लगता है कि मामला चुनाव में होगा? साढ़े सारे पिंड सारे तकरीबन से गुरु नाल ही जुड़े हैं सारे, असी तो सारे उन्होंने ही हाँ, इस करके फिर उन्होंने बेअदबी तो साढ़े असी तो कुछ भी नहीं हुए उन्होंने मुरे। हाँ जी, तो इस बार मतलब बदलाव के मूड में दिख रहे हैं सर? हाँ, बदलाव तो हैगा जी, बदलाव तो होगा। ठीक, तो ये जलंधर की जनता थी जिन्होंने अपनी बात रखी।